नीमच के आशीष भवन चर्च में ईसाई समाज द्वारा गुड फ्राइडे का कार्यक्रम समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ईसाई समाज के महिला और पुरुष और बच्चे चर्च में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। गुड फ्राइडे के अवसर पर फादर विनोद मैडा ने प्रभु यीशु द्वारा क्रूस पर जो 7 वचन मानव जाति के लिए कहे गए थे उस पर चिंतन मनन किया। इस अवसर पर भजन और भक्ति गीत गाए गए। शहर देश और विश्व की तरक्की और शांति के लिए प्रार्थना की गई। बताते चले कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के उद्धार के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। कल ईसाई समाज साइलेंट डे मनाएगा। रविवार को ईस्टर डे यानी पुनरुत्थान दिवस है। इस दिन यीशु मसीह मृतकों में से वापस जी उठे थे। उल्लेखनीय है कि 14 फरवरी से ईसाई समाज के 40 दिन के उपवास चल रहे हैं, जिसका समापन कल शनिवार को होगा। गुड फ्राइडे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में फादर विनोद मैडा, समाज के सचिव एसपी से कोषाध्यक्ष जागृति जोजफ और ईसाई समाज के अनुयायी शामिल रहे। आज के दिन होकर गुड फ्राइडे की आराधना बनाई गई, जिसको हम शुभ शुक्रवार बोलते हैं। और आज के दिन होकर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण को दिया था, ताकि जो भी संसार में मनुष्य है, जो पाप करा है, जो गुनाह करते हैं, जो ईश्वर से दूर हैं, उनको उस बलिदान के द्वारा अपने परमेश्वर के पास में ला सके। और प्रभु यीशु मसीह ने आज के इस दिन में होकर जब उनको क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो अंतिम सम होकर अंतिम पलम होकर 7 वाणियाँ या 7 वाक्य कहे थे, ताकि हर एक मसीह लोग या हर संसार के जो लोग हैं, संसार में जो जिनको भी ईश्वर ने बनाया है, उनके उन वचनों को, अंतिम वचनों को स्मरण रखें। क्योंकि कहते हैं कि जो मनुष्य मरता है और जो अंतिम वाक्य कहता है, वो वाक्य उनके जीवन के लिए आशीषमय होते हैं। और वही वाक्यों को मसीह समाज या जितने भी उसके अनुयायी हैं, उन वचनों को स्मरण करते हैं और जीवन भर उन वचनों के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। और आज के दिन में होकर हमारे आशीष भवन चर्च में यहाँ के समाज और समाज के चाहे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और कमेटी के जितने भी मेंबर है, इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं। हम सभी ने यहाँ पर एकत्र होकर प्रार्थना को करा है, वचन को पढ़ा है, गीतों को भी गाया है और प्रभु यीशु मसीह को 7 वाणियों को सुना, ताकि हर एक विश्वास जन आशित हो सकें। और हम सभी जनों ने मिलकर हमारे शहर के लिए, हमारे नगर के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे पूरे विश्व के लिए एक शांति की प्रार्थना करी है और मनुष्य के लिए एक अच्छी आशीष को मांगा है, ताकि हमारे इस देश के अंदर भी शांति और आशीष बनी रहे, ताकि हर मनुष्य एक अच्छा जीवन व्यतीत करने वाला हो सके।